नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyrb.com के आज के YouTube वीडियो में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों डिस्कस करने से पहले जल्दी से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, आज का टॉपिक देख लेते हैं क्या है और इसमें आयुर्वेद का क्या योगदान है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मासिक धर्म से संबंधित रोगों में कलौंजी जो कि बहुत ही कॉमनली अवेलेबल होती है, इसके कुछ रामबाण प्रयोग। दोस्तों गर्भाशय के रोग, श्वेत प्रदर, मासिक धर्म का रुक जाना, बंद हो जाना, महीने में बार बार मासिक धर्म आना या मासिक धर्म में दर्द, इन सब के लिए रामबाण है कलौंजी। आइए इसके प्रयोगों को जान लेते हैं। सबसे पहला प्रयोग है दोस्तों गर्भाशय के रोग, श्वेत प्रदर, मासिक धर्म, महीने में दो चार बार आना, लंबे समय तक मासिक नहीं होना, पेट तथा कमर में दर्द होना। इसके लिए 50 ग्राम हरा ताज़ा पुदीने की पत्तियां दो गिलास पानी में उबालकर चौथाई पानी रहने तक छानकर पानी में आधा चम्मच कलौंजी का तेल, दो चम्मच मिश्री मिलाकर सुबह निराहार एक बार और रात में सोते समय दूसरी बार पिएं। इस प्रकार ये 40 दिन तक करें, मासिक धर्म का रुक जाना इससे ठीक हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा प्रयोग है, जैसे तीन तीन महीने तक भी मासिक धर्म अगर नहीं होता है और पेट में दर्द रहता है तो एक कप गर्म पानी में आधा चम्मच कलौंजी का तेल और दो चम्मच शहद मिलाकर सुबह निराहार रात में भोजन के बाद सोते समय एक महीने तक पिएं। और दोस्तों थर्ड जो प्रयोग है इसके लिए, ये यदि मासिक धर्म बंद हो गया है, नहीं आ रहा है या बहुत दिनों में आता है तो उसके लिए एक चम्मच पिसी हुई कलौंजी प्रातः पानी से फकी लें, मासिक धर्म आ जाएगा। किसी किसी को इससे पेट में दर्द होता है, दर्द होने मूंग की दाल के बराबर हींग पानी से ले लीजिए, पेट दर्द बंद हो जाएगा। और दोस्तों एक और प्रयोग है इसमें, मासिक धर्म में अगर दर्द होता है तो ऐसे में एक चम्मच शहद में कलौंजी का आधा चम्मच तेल मिलाकर सुबह निराहार यानी खाली पेट और रात में सोते समय मासिक धर्म आने के 15 दिन पहले से 2 सप्ताह तक सेवन करें, मासिक धर्म के समय इसको नहीं लेना है। इन प्रयोगों को करते वक्त आपको अचार, आलू, बैंगन, मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन नहीं करना है। हम उम्मीद करते हैं दर्शकगण, जो लेडीज हमारी दर्शक हैं जो मासिक धर्म की इन समस्याओं से परेशान हैं, वो अवश्य इसको करके देखेंगी और उनको अगर कोई किसी टाइप का कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं और आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये प्रॉब्लम है और आयुर्वेद में इसका क्या सॉल्यूशन दिया गया है। तो दोस्तों मिलेंगे शीघ्र एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।